हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव्स किचन। आज मैं लेके आई हूँ ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच की रेसिपी, जो कि बड़े या बच्चों किसी को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। लंच या ब्रेकफास्ट किसी में भी बना के इसको खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे एक बोल में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज सबसे पहले फाइनली चॉप करके लेंगे। वेजीज बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। फ्रोज़न कॉर्न है ये मेजरिंग कप से एक कप है, 250 ग्राम्स। एक कैप्सिकम मीडियम साइज़ का भी है, ये उसे भी फाइनली चॉप करके लेंगे। टमाटर ये भी मीडियम साइज़ का एक फाइनली चॉप करके ये भी डाल देंगे इसमें। और ये 250 ग्राम्स पनीर है, इसको इस तरह से क्यूब्स में कट करके ये भी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं मसाला डालने से पहले। तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून ओरिगैनो हम डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग के साथ। वेजीज जो भी आप डाल रहे हैं ना, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर कॉर्न अवेलेबल नहीं होगा तो आप स्किप कर सकते हैं, और जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसको ना इसमें हम पनीर डाल इस तरह से, इसमें ये जो हम पिज्ज़ा में यूज़ करते हैं ना चीज़, वो इसमें डाल देंगे। तो वो 3 1/2 3/4 कप होगा लगभग, 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैंने यूज़ किया है चीज़, जो पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं वही चीज़ हम इसमें डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाकी सारी चीज़ों के साथ। और अब ना ये वाली स्टफिंग को हम दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, और दोनों में ना हम अलग अलग सॉसेस अपने पसंद के डालते हैं। तो सबसे पहले वाले बोल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज, और उसके साथ ही 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी सॉस हम डाल रहे हैं, तो जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल के स्टफिंग के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो पहले वाले में मेयोनीज और टोमेटो केचप के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पहला स्टफिंग बन गया। और दूसरे वाले में हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसकी जगह पे आप रेड चिली सॉस या रेड चिली सॉस कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल है और जो आपको पसंद है, कोई भी सॉस इसमें डाल के आप बना सकते हैं। ये भी सेकंड स्टफिंग भी बन के तैयार हो गया है। तो अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। एक सैंडविच बनाने के लिए ना 3 ब्रेड स्लाइस लगेंगे, और पहले हम जो मिडिल में डालेंगे ना ब्रेड स्लाइस को, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो उस पर अच्छे से पहले हम बटर लगा लेते हैं दोनों साइड पे। दोनों साइड पे बटर लगाने के बाद ना हम इसे पैन में गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उतने देर तक इसे सेकेंगे, क्योंकि ये मिडिल में रहेगा ना तो वो क्रंच नहीं आएगा, इसीलिए इसे हम पहले ही सेक लेंगे। थोड़ा सा बटर बिल्कुल लगाया है, और ये वाला प्रोसेस को आप मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं ना, बहुत हाई बहुत लो पे भी नहीं, क्योंकि वो क्रंच चाहिए हमें ब्रेड में, इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। एक तरफ से ये अच्छे से गोल्डन हो गया है, दूसरी तरफ से भी इसे पलट के ना थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। और दूसरा ब्रेड का स्लाइस हम लेंगे, और उस पर भी अच्छे से बटर को स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे इस पे सॉसेस। तो पहले हम लगाएंगे मेयोनीज, और ये आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले मेयोनीज ही लगाना है उसके बाद टोमेटो केचप ही लगाना है, आपको जिस तरह से कंफर्ट है आप उस तरह से लगाइए। थोड़ा सा इस पे टोमेटो केचप डालेंगे, या फिर आप रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस भी इस पे डाल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको पसंद है तो।
वो हम अच्छे से लगा देंगे सॉस। और उसके बाद हम यहाँ पे पिज्ज़ा वाला जो स्टफिंग था ना, पिज्ज़ा सॉस वाला जो स्टफिंग था वो इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से बिल्कुल चारों तरफ से इवनली स्प्रेड करेंगे ये स्टफिंग को अच्छे से। इसके ऊपर डालने के बाद ना हम इसके ऊपर फिर से पिज्ज़ा वाला चीज़ ही डालेंगे, खूब सारा चीज़ जितना आपको पसंद है इसके ऊपर डाल सकते हैं। चारों तरफ से चीज़ को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये चीज़ हमने डाल दिया और उसके बाद हम लेंगे जो हमने बीच में रखने के लिए पहले सेक के रखा था ब्रेड स्लाइस को, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बिल्कुल बटर लगाएंगे और उसके बाद अपने पसंद का इसके ऊपर सॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे टोमेटो केचप या फिर पिज्ज़ा सॉस, कोई भी सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। लगाने के बाद वो जो हमने मेयोनीज वाला स्टफिंग रेडी किया था, दूसरा वाला स्टफिंग, वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये स्टफिंग स्प्रेड करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ डालेंगे। तो जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद होगा ना, उसको ये ट्रिपल लेयर डबल डेकर सैंडविच बहुत पसंद आएगा। और यकीन मानिए ये सैंडविच बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो ये हम फर्स्ट वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख देंगे, ये मिडिल वाला स्लाइस, और ये जो पहले हमने इसके वन साइड पे बटर लगा के रखा था उसको फ्लिप करके रख देंगे इसके ऊपर से, और थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ऊपर से भी हम थोड़ा सा ब्रेड बटर लगा देंगे ऊपर वाले पार्ट पे भी, और फिर से थोड़ा सा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। और सॉस लगाने के बाद फिर से ढेर सारा इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे, पिज़्ज़ा वाला चीज़। तो ये अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ऑरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर से हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर नीचे लगाएंगे, और ये अब जो सारा प्रोसेस करेंगे वो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे ताकि नीचे वाला जो पार्ट है ना वो भी थोड़ा सा क्रंची और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा बटर ये थोड़ा गर्म हो जाए पैन। तो हमने जो अभी रेडी करके रखा है सैंडविच ये इसके ऊपर से डाल देंगे, और ये थोड़े गहरे वाले पैन में हम यूज़ करेंगे ताकि हम ऊपर से लेड भी लगा सकें। और इसे तब तक हम कुक करेंगे जब तक कि ऊपर वाला चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और सारा प्रोसेस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तो 4 से 5 मिनट में लगभग ये सैंडविच बन के तैयार हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है ऊपर वाला चीज़ हमारा। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे कट कर देंगे। ये हमारा ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच बन के तैयार हो गया है सर्विंग के लिए। बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में बहुत मज़ेदार बनता है ये, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी बहुत पसंद आएगा ये सैंडविच, और झटपट भी बन के तैयार हो जाता है। देखिए अंदर से मैं भी कट के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ी लुक भी आता है, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। और जितने पार्ट में इसको कट करना है आप कट कर सकते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, और इसको सर्व करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे